और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज देश और विदेश की तेल कंपनियों के सीईओ से मीटिंग की और प्रधानमंत्री आवास पर यह बैठक हुई जिसमें रोजनेफ्ट, सऊदी अरामिको, रिलायंस इंडस्ट्रीज और केन इंडिया समेत कई विदेशी और भारतीय कंपनियों के सीईओ शामिल थे। इस बैठक में पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और नीति आयोग के सीईओ अमिताभ कांत शामिल हुए। बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि 2016 में हुई इस तरह की बैठक से सरकार को एनर्जी सेक्टर को लेकर पॉलिसी बनाने में मदद मिली है। सरकार एनर्जी सेक्टर में अभी और रिफॉर्म करने के लिए तैयार है और तेल कंपनियों से मिली सलाह, चाहे वो पॉलिसी को लेकर हो, प्रशासनिक हो या फिर रेगुलेटरी संबंधी मुद्दा हो, सरकार कंपनियों की सलाह पर ध्यान देगी। प्रधानमंत्री जी ने इस पर बहुत स्ट्रेस किया कि आज ये जो ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया जो है वहाँ सारे नेचुरल रिसोर्सेज हैं और वहीं मैन पावर अवेलेबल है और इसलिए अगर हम गैस को प्रोवाइड कर दें तो उधर सारे नेचुरल रिसोर्सेज को यूटिलाइज करके डेवलपमेंट हो सकता है। तो जो जगदीशपुर हल्दिया बुकारो धामरा नेचुरल गैस पाइपलाइन है, ये 2600 किलोमीटर की, ये पूरे ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया को नेशनल गैस ग्रिड से कनेक्ट कर देगी और पूरे जो चार यूरिया प्लांट आ रहे हैं गोरखपुर बरौनी सिंदरी दुर्गापुर, इन सबको में एक नई जान ला देगी।